अजमेर के जीपीओ में हुआ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। पूरे भारत में 650 ब्रांचों का एक साथ हुआ उद्घाटन। 1 सितंबर आज का यह दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 650 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अजमेर में भी कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अजमेर में इसका उद्घाटन किया। इस बैंक की खास बात यह है कि जैसे गांव-गांव ढाणी-ढाणी खत जाया करता है, वैसे ही अब पैसे भी जाया करेंगे। यानी डाके का काम केवल अब खत पहुंचाना ही नहीं बल्कि पैसे पहुंचाना भी होगा, यानी आपका पैसा आपके द्वार। इस योजना से लाखों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही डाकियों की भत्ता राशि को भी बढ़ा दिया गया है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए मंत्री नकवी ने इस योजना को लाभदायक बताया। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री बलदेव देव नंदी जी, यहाँ पर जो राम भरोसे लाल जी और यहाँ पर मंच पर उपस्थित तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण, मित्रों, आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। और मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों ने बहुत सुना चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, फिर इन बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, बहुत गाना ही सुना है हमने। और जो लोग पुराने हैं वो भी जानते हैं कि जो डाकघर हुआ करते थे वो लाइफ लाइन हुआ करते थे उस इलाके के, चाहे वो मनी ऑर्डर हो, चाहे वो तार हो, चाहे वो चिट्ठी हो, पोस्ट कार्ड से लेकर के और तमाम जो चीज़ें थी वो लोग इंतज़ार किया करते थे। गांव का जो पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, पोस्ट का जो सेंटर हुआ करता था, वो लोगों की श्रद्धा का केंद्र हुआ करता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, धीरे धीरे जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो उसका विस्तार हुआ, उसके साथ ही साथ जो है वो व्हाट्सएप आ गया, ईमेल आ गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो हमारी चिट्ठी लिखने की और चिट्ठी भेजने की जो आदत थी और ज़रूरत थी, दोनों चीज़ थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। जी मंत्री जी, देखिए ये एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कई बड़े ऐतिहासिक बदलाव और परिवर्तन देश की भलाई के लिए, देश के लोगों की भलाई के लिए किया, उसमें ये एक परिवर्तन है। और मैं मानता हूँ कि ये जो डाक एंड तार या पोस्ट एंड टेलीग्राफ की जो एक बहुत बड़ी विश्वास से भरपूर और लबरेज व्यवस्था थी, उसको और ताकत देने का काम किया है। अब किस तरह से मानते हैं कि एक अच्छा सकारात्मक पहले गांव-गांव तक, घर तक, लोगों तक पहुंच होगी, कितना फ्रूटफुल? देखिए ये बैंकिंग व्यवस्था सीधे गांव, गरीब किसान के घर तक पहुंच रही है, घर तक लोग। देखिए एक ज़माना था जब हमारा पोस्टमैन डाकिया, उसको उसका लोग इंतज़ार किया करते थे कि वो चिट्ठी लेकर के उनके घर तक पहुँचेगा। गाने होते थे, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। तो वो जो एक विश्वास का एक डोर थी आम लोगों के बीच में और डाक और तार डिपार्टमेंट के बीच में, उस विश्वास के जोर को ये बैंकिंग सिस्टम मजबूत किया। युवाओं को भी रोजगार देने की बात इसमें है, बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पे रोजगार भी मिलेगा, लोग रोजगार से भी जुड़ेंगे। राजनीतिक क्वेश्चन है, राफेल को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है, क्या है? देखिए राहुल गांधी जी लफाजी का लैपटॉप बन गए हैं, और जिनका पूरा सफ़र पप्पू से लेकर के गप्पू तक का हो तो वो झूठ का झुंझुना लेकर के लेने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता।